गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन दिख रहा है। गाइस ये वीवो का फ़ोन है, इसका मॉडल नेम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, Vivo Y21 है। गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका काम्बो यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि जिसका ये फ़ोन है ना गाइस, उन्होंने गुस्सा में इस फ़ोन को नीचे पटक दिया था, उस कारण इसका काम्बो ख़राब हो चुका है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा, आप लोगों के पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आता है गाइस, आप लोग बिना मशीन के मोबाइल फ़ोन से काम्बो को कैसे बाहर करोगे, मतलब ये जो टच होता है इसे आप लोग कैसे बाहर करोगे बिना मशीन के। गाइस आज इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो सिम ट्रे लगा होता है गाइस, आपको सबसे पहले उसे निकाल लेना है। सिम ट्रे आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसका बैक पैनल आपको खोल लेना। चलो फटाफट यहाँ पर मैं बैक पैनल पहले खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग काम्बो बाहर निकालोगे गाइस। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सारे नट बोल्ट आपको यहाँ पर खोल लेना। चलो फटाफट यहाँ के नट बोल्ट मैं सब खोल लेता हूँ। और यहाँ का ये जो कवर होता है जहाँ पर मदरबोर्ड लगा होता है, इसे भी आपको ऐसे करके निकाल लेना। और यहाँ पर ये जो अनाप का पत्ता है गाइस, इसे आपको ऐसे करके पूरा इसका जो पत्ता है ऐसे निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद अब यहाँ पर आपको ऐसे करके इसकी बैटरी निकालना है, डिस्प्ले का पत्ता निकालना है और चार्जिंग का पत्ता भी निकाल लेना है आपको इस प्रकार, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे करके। और गाइस जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने तीनों पत्ते को निकाल लिया, और यहाँ पर आपको कैमरा का भी पत्ता निकाल लेना है ऐसे करके, आपको कैमरा का भी पत्ता निकाल लेना है गाइस ऐसे करके। देखो यहाँ ये यह हमारा एक कैमरा बाहर हो चुका है, एक ये कैमरा हमारा बाहर होने जा रहा है, इसे भी हम लोग निकाल लेंगे ऐसे करके ऐसे करके। और गाइस अब यहाँ पर आपको ये जो नेटवर्क वाला एंटीना वाला पत्ता होता है गाइस, मतलब ये जो वायर होता है, इसे भी आपको इस प्रकार निकाल लेना ऐसे करके ऐसे करके। और गाइस यहाँ का जो कवर बचा है अभी, जहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है, इसका भी ऊपर का हम लोग कवर यहाँ पर निकाल लेंगे ऐसे करके। एक नट बोल्ट यहाँ पे भी बचा है, इसे भी मैं खोल लेता हूँ, ये निकल आएगा बाहर आसानी के साथ। ये भी ऐसे करके आपको कर लेना है, तो इसे भी हम लोग यहाँ से ऐसे करके खोल लेते हैं गाइस, इसका कवर भी निकाल लेते हैं ऐसे। गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर बैटरी निकालना होगा, चलो यहाँ पर मैं बैटरी निकाल लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पर हम लोग इसका कवर निकालेंगे, ठीक, ये जो लगा होता है इसे हम लोग निकालेंगे। देखो गाइस यहाँ पर ये हमारा रिंगर वाला कवर यहाँ पर निकल चुका है। अब यहाँ पर आपको ऐसे करके ये जो पत्ता है इसे आपको ऐसे करके निकाल लेना है, इसके ऊपर एक पन्नी लगी रहती है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर मैं पन्नी को निकाल लेता हूँ ऐसे करके, पन्नी लगी होती गाइस ऐसे करके, इसे आपको निकाल लेना ये पन्नी को, पत्ता के ऊपर लगी होती है ऐसे करके। देखो गाइस यहाँ पर देखो ये पन्नी निकल चुकी है, और यहाँ पर ये चार्जिंग वाला पत्ता इसे आपको लगे रहने देना है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले वाला पत्ता है काम्बो वाला गाइस, इसे आपको ऐसे करके उमका लेना ऐसे करके। सबसे पहले ये जितने सामान है मोबाइल फ़ोन के, इसे मैं एक कोने में रख देता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखो कोई भी आपके पास काम्बो हो, चाहे वो नया हो, मान लो डैमेज है, वो अच्छा भी है काम्बो, तो आप लोग उसे कैसे निकालोगे, और आपका काम्बो ख़राब भी ना हो, तो आपको यहाँ करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, SMD मशीन आपको हीट कर लेना है। हीट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर पे आपको यहाँ पर हीट करना है, यहाँ पे
हीट करना। चलो यहाँ पर SMD मशीन में स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर चारों कॉर्नर पे मैं इसे हीट करूँगा SMD मशीन के मदद से। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को आवाज़ सुन रही होगी, SMD मशीन मैंने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं हीट करूँगा और फिर हीट करने के बाद आपको कोने कोने पे अपने नाखून को ऐसे करके डालना है, ऐसे करके। ये तो खुल जाएगा गाइस क्योंकि ये डैमेज है। गाइस ये फ़ोन पहली बार ओपन हुआ है, मैंने खोला है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसका बैक पैनल खोलने में। अब यहाँ पर काम्बो भी निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो भाई सीख रहा है मोबाइल रिपेयरिंग का काम, अभी नहीं पता काम्बो कैसे निकालते हैं बिना मशीन के, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हीट करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग हीट कर लेते हैं फटाफट। मेरी SMD मशीन लगभग हीट हो चुकी है, यहाँ पर मैं हीट करने जा रहा हूँ। ये है मेरी SMD मशीन गाइस, इसे मैंने घर पर बनाया, ख़राब हो गई थी। मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो के माध्यम से आप लोग SMD मशीन को घर में कैसे बनाओगे। ऐसे करके आपको देखो चारों कोनल पे आपको हीट करना है, ऐसे करके। और सॉरी गाइस यहाँ पर देखो अभी कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट कैमरा गाइस, इसे भी आपको बाहर कर लेना है। चलो यहाँ पर मैं पहले फ्रंट कैमरा को बाहर कर लेता हूँ क्योंकि गाइस हीट उसमें पड़ जाएगी तो मेरा कैमरा डैमेज हो सकता है। यहाँ पर मैं फ्रंट कैमरा भी बाहर कर लेता हूँ, ऐसे करके गाइस। यहाँ पर देखो ये हमारा फ्रंट कैमरा भी बाहर हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग हीट मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करके आपको हीट करना है, चारों कोनों पे आपको हीट करना है, ऐसे करके। इससे हीट करने से फ़ायदा क्या होता है, आपको ग्लू जो होगा वो गाइस यहाँ पर पिघल जाएगा और आपका काम्बो बहुत ही आसानी के साथ बाहर हो जाएगा गाइस। इस प्रकार आपको हीट कर लेना है लगभग, और अपनी SMD मशीन को आपको हिलाते रहना है। मान लो आपका काम्बो सही है, आप लोग टच चेंज करना चाहते तो आपको अपनी SMD मशीन को हिलाते रहना है, एक जगह नहीं रखना गाइस, या आपका डिस्प्ले और टच भी ख़राब हो जाएगा एक जगह आप लोग हीट करोगे तो। ऐसे करके आपको करते रहना जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पर आपको चेक करते रहना है जो आपका काम्बो है हीट हुआ है नहीं। अभी गाइस मेरा काम्बो कम हीट हुआ है, इसे मैं और ज़्यादा हीट कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो गाइस यहाँ पर मेरा काम्बो लगभग हीट हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, अपनी SMD मशीन को ऑफ कर देना। ऑफ कर देने के बाद अब यहाँ पर आप लोग ओपनर की मदद से या कोई नुकीली सामान की मदद से एक कोने पे आपको ऐसे करके डालना है। चाहे नाखून आप लोग डाल सकते हो, कुछ भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर चलो मैं नाखून का यूज़ करूँगा गाइस, ऐसे करके आपको करना है एक कोने पर। देखो गाइस ये डैमेज है और यहाँ पर देखो कितनी आसानी के साथ ये खुल रहा है काम्बो, देखो निकल रहा बाहर, क्योंकि हीट होने से ये फ़ायदा होता है गाइस। देखो यहाँ पर ये टूटा हुआ है इसलिए यहाँ पर ये टूट जाता है गाइस। तो आप लोग इस प्रकार बिना मशीन के काम्बो मोबाइल फ़ोन से बाहर कर सकते हो गाइस, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे करके आपको, देखो गाइस कितनी आसानी के साथ यहाँ पर जो काम्बो लगा हुआ है, देखो इसका ग्लू बिल्कुल पिघल चुका है इसलिए ये काम्बो देखो छोड़ता चला जा रहा है। देखो गाइस ऐसे करके, देखो गाइस कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने SMD मशीन से यहाँ पर काम्बो को बाहर कर लिया गाइस। आप लोग देख सकते हो कोई भी डैमेज नहीं हुआ गाइस, ये जो काम्बो हो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ गाइस, मगर बट ये टूटा हुआ है इसलिए गाइस यहाँ पर ये डैमेज आपको दिख रहा है गाइस। तो आप लोग इस प्रकार अच्छा भी काम्बो इस प्रकार SMD मशीन से निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया गाइस, अभी मेरे पास इस मोबाइल फ़ोन का काम्बो नहीं गाइस। आज मैं जाऊंगा सिटी, उसे खरीद के लाऊंगा, फिर डालूंगा, फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोग काम्बो कैसे लगाओगे, ठीक है गाइस। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपना ख्याल रखना, और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना गाइस।